हवामान विभाग द्वारा राजधानी दिल्ली और तेनी आसपासना विस्तारों में आगामी दिवसों में वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। हवामान विभाग की जानकारी मुजब आगामी 25 और 26 जून रोज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ तेमज पंजाब में वरसाद पड़ सके छे, जेना कारणे तापमान में पण घटाड़ो जोवा मळी सके छे। हाल दिल्ली ना केटलाक विस्तारों में हळवो वरसाद पड़ी रह्यो छे, तेमज शनिवारे पण हळवा वरसाद की आगाही करवामां आवी छे, जेना कारणे दिल्लीवासीओए बफारानी स्थितिनो सामनो करी रह्या छे। जो कि त्यारबाद पूर्वानुमान प्रमाणे वरसाद पड़वाने कारणे गर्मी थी राहत मळी हती। Prime Minister arrives tomorrow. He's here till the 25th. We are having for the first time a round table between Honorable Prime Minister and the Egyptian Prime Minister. After President Sisi's highly successful visit to India in January 2023, both countries agreed to elevate the relations to a strategic partnership. And on his return, President Sisi constituted a special India unit in his cabinet, which consists of senior ministers, and they have been tasked to improve relations with India. So Prime Minister will be having a meeting with the India unit, and I'm sure that this will lead to very concrete. अमेरिका प्रवास बाद वडाप्रधान मोदी तेमनी पहली इजिप्त यात्रा माटे रवाना थया छे। पीएम मोदी ने इजिप्तना राष्ट्रपति अब्देल फत्तर अल सीरी द्वारा आमंत्रण पाठवामां आव्युं हतुं। पीएम मोदी तेमना इजिप्त प्रवास दरमियान राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी साथे द्विपक्षीय बैठक योजशे। अमेरिकाना राष्ट्रपति जो बाइडन अने फर्स्ट लेडी जिल बाइडने पण पीएम मोदी ने यूएसना प्रवास माटे आमंत्रण पाठव्युं हतुं। आ पहला पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियानी पण मुलाकात लीधी हती। ऑस्ट्रेलियाना वडाप्रधान एंथोनी एल्बेसीए तेमने बॉस गणाव्या हता। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए वॉशिंग्टन में रिंगन सेंटर में डायस्पोरा ने संबोधित कर भारत की सिद्धिओ गणावी हती। पीएम मोदीए कहु कि निर्णय लेवामां कि तमारे एच वन बी वीजा रिव्यू करवा माटे अमेरिका थी बाहर जवू पड़शे नहीं। अमेरिका में रहता समय एच वन बी वीजा हवे रिन्यू थशे। वडाप्रधाने कहु कि ए टू शहरों में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलवामां आवशे। पीएम मोदीए कहु कि अहीं हॉल में भारत संपूर्ण नक्शो बनाव्यो छे। तमाम हाजर ने अहीं हॉल में मिनी इंडिया उभरी आवी छे। आ साथे साथे पीएम मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत नुं चित्र बतावा बदल अभिनंदन व्यक्त कर्युं हतुं। आफ्रिकन अमेरिकन मूळनी हॉलीवुड अभिनेत्री मैरी मिलबेने वॉशिंग्टन डीसी में आवेली रोनाल्ड रिंगन सेंटर में भारतनु राष्ट्रगीत प्रस्तुत कर्यु हतु। आ कार्यक्रम में वडाप्रधान मोदीए पण हाजरी आपी हती। आ विषय बात करता मैरी बिलने जणाव्यु हतु कि हूँ अहीं आवीने खूब ज सन्मानित अनुभव करी रही छु। पीएम मोदी की राजकीय यात्रा ना कार्यक्रम में परफॉर्म करवू ए सन्माननी बात छे। मारा द्वारा गावामां आवेल राष्ट्रगीत लोकोने पसंद पड्यु ए जाणीने मने खूब ज सारू लाग्यु। पीएम मोदी ने अमेरिका ना उपराष्ट्रपति कमला हेरिसे स्टेज लंच दरमियान भव्य स्वागत कर्यु हतु। आ दरमियान पीएम मोदी ए जो बाइडन अने अमेरिका द्वारा करायेला उष्मा भरे स्वागत बदल आभार व्यक्त कर्यु हतु। आ प्रसंगे तेमने उपराष्ट्रपति कमला हेरिस नी माता अने तेमना भारत साथेना संबंधों ने पण याद कर्या। तेमने अमेरिका ना सेक्रेटरी बिल्कन ना संगीत प्रेम ने पण याद कर्यो। तेमने भारत अने अमेरिका ना मजबूत संबंधों बाबते जणाव्यु हतु के बन्ने देशों साथे मळीने खूब ज प्रगति करी रह्या छे। गर्मजोशी भरे शब्द कहे इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एक बार फिर स्टेट डिपार्टमेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले तीन दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एकमत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। विश्वना नेताओं में लोकप्रियताना ना मामले भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी हजू पण टोच पर छे। अमेरिकन फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 22 देशों में करवामां आवेला सर्वे अनुसार
पीएम नरेन्द्र मोदी विश्व प्रख्यात नेताओं में 76% एप्रूवल रेटिंग साथ टॉप पर है। सर्वे में शामिल मात्र 19% लोग मंजूरी आपी नहीं। सर्वे में शामिल तमाम नेताओं में आ आंकड़ो सौथी ओछो छे। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जाहिर करायेला ग्लोबल लीडर एप्रूवल रेटिंग मुजब यूएस प्रमुख जो बाइडन और युनाइटेड किंगडम एटले के यूके ना वड़ा प्रधान ऋषि सुनक पण पीएम नरेन्द्र मोदी की तुलना में पोतपोताना देशों में घना पाछड़ छे। मणिपुर की स्थिति विषय चर्चा करवा माटे केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली में सर्वदलीय बैठक योजना। मणिपुर में हजू पण सतत हिंसा थई रही छे। आ स्थिति ने ध्यान में राखीने प्रदेश की सरकारे इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध ने 25 जून सुधी लंबाव्यो छे। तो कायदो अने व्यवस्था की स्थिति वधु न बगड़े तेना माटे वहीवटी तंत्र द्वारा सावचेती भागरूपे आ निर्णय लेवामां आव्यो। मणिपुर में 3 मे थी सतत हिंसा थई रही छे। कांग्रेस पार्टी तरफ थी जणाववामां आव्यु हतुं के मणिपुर में छेल्ला 53 दिवसोथी हिंसा थई रही छे, त्यारे वडाप्रधान मोदीए एक पण शब्द उच्चार्यो नथी। देशना गृहमंत्री अमित शाहे जम्मू काश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जाहिर सभा ने संबोधी हती। तेमणे विस्तारता सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लीधो, जेमां तेमणे जणाव्यु हतुं के आजे काश्मीर तेनी कला अने संस्कृति में आगळ वधी रह्युं छे। तेमणे काश्मीरना युवानोने जणाव्यु हतुं के जेओ तमारा हाथ में पत्थरो अने हथियारों आपी रह्या छे ते लोको सारुं नथी करी रह्या। तमारा हाथ में पुस्तको अने पेन होवी जोईए, ज्यांथी कलम 370 हटावामां आवी छे त्यांथी काश्मीर में शांति प्रसरी गई छे। विकासना नवा आयामों उभा थई रह्या छे, तो अहीं शिक्षण संस्थाओ अने उद्योगो स्थपाई रह्या छे। हवे काश्मीर मात्र भविष्य तरफ जोशे, अत्यारे तहेवारो खास महत्व धरावे छे। जहां पर संगीत और ज्ञान ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ, इसीलिए इसको आदि शंकर ने शारदा क्षेत्र कहा और यहां शारदा पीठ की स्थापना की। और ये कश्मीर, जिन लोगों ने कश्मीर का अभी का विगत 30-40 साल का इतिहास ही देखा है, उनको लगता है ये विवादित क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र है, मगर कश्मीर ने ढेर सारे ऐसे विवाद और अशांतियों को, ढेर सारे रक्तपातों को अपने अंदर हजम कर अमर लॉ की तरह आगे बढ़ना ये कश्मीर का स्वभाव है। केरल पुलिस क्राइम ब्रांचे केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सुधारक की छेतरपिंडी केस में धरपकड़ करी हती। तो त्यार बाद सुधारकनी आगोतरा जामीन द्वारा मुक्ति थई हती। तेमनी बनावटी एंटीक चीज वस्तुओना डीलर मॉन्सन मवुकन्नल साथे संबंधों धरावता एक छेतरपिंडी केस में धरपकड़ करवामां आवी हती। आ मामले केरल कांग्रेसे आकरी प्रतिक्रिया आपी हती कि अमे आवा केसोथी डरवाना नथी अने केरल सीएम पिनाराई विजयनना पगलाने वखोड़ीए छे, अमे भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलवानुं बंद नहीं करीए। केरल सीएम पीएम मोदी की नकल कर रहा है और मोदी की जेम घमंड थी बिन लोकशाही रीते काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चूंटनी दरमियान हिंसा चरम सीमा पर छे, त्यारे सिलीगुड़ी दबग्राम विस्तार में अजाण्या शख्सोए भाजप कार्यालय ने सड़गामी लीधु हतु। आ मामले भाजप नेता सुवेंदु अधिकारीए जणाव्यु हतु कि पश्चिम बंगाल में ज्यां सुधी ममता बेनर्जी सत्ता पर छे त्यां सुधी हिंसा रोकवानी नथी, तेनुं एक ज समाधान छे अने ते छे के टीएमसी अने ममता बेनर्जी ने मत न आपवा। केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बाबते तेमणे जणाव्यु हतु कि आ सुरक्षा बलों ने कारणे कार्यवाही थशे अने कोई पण व्यक्ति पोतानी फरियाद नोंधावी शकशे। कुछ होगा तो थानादार का साथ साथ सीओ का पास भी हम लोग कंप्लेन करेगा, सीओ को कार्रवाई करना ही पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का रिक्विजिशन है, डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ। ये हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उसका जो खंडपीठ है उसका ऑर्डर से हुआ है, इसको कोर्ट ऑर्डर डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसलिए एक भी वायलेंस में जीरो टॉलरेंस, ये देखने का काम सेंट्रल फोर्स का है। कर्नाटक कांग्रेस ना नायब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारे भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साथे तेमना घरे शुभेच्छा मुलाकात लेता अनेक तर्क वितर्को उभा थया छे। अगाउ डीके शिवकुमार कर्नाटक ना मुख्यमंत्री बनवा मांगता हता, परंतु कांग्रेसे हाईकमाने सिद्धार्थ मैया ने मुख्यमंत्री बनावी देता डीके शिवकुमार नाराज थया हता।
તેમણે અગાઉ નિવેદન આપ્યું હતું કે કર્ણાટકના નાગરિકોએ મને મુખ્યમંત્રી બનાવવા વોટ આપ્યા પરંતુ હું મુખ્યમંત્રી ન બની શક્યો ત્યારબાદ આજે ભાજપના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બસવરાજ બોમ્મઈ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાત કરતા કર્ણાટકના રાજકારણમાં ફરી હલચલ જોવા મળી હતી શુક્રવારે બિહારના પટનામાં વિરોધ પક્ષોની બેઠક યોજાઈ હતી બેઠકમાં 30થી વધુ વિપક્ષી નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો તો બેઠકમાં વર્ષ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપ સામે વિપક્ષી પાર્ટીઓ એક થવા માટે વ્યૂહરચના અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી વિરોધ પક્ષોનું આ મહામંથન લગભગ 4-5 કલાક સુધી ચાલ્યું હતું બેઠક બાદ જોઈન્ટ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી જેમાં નીતિશકુમારે કહ્યું હતું કે આગામી બેઠકમાં નક્કી કરવામાં આવશે કે કોણ ક્યાંથી ચૂંટણી લડશે જેઓ શાસનમાં છે તેઓ દેશના હિતમાં કામ કરી રહ્યા નથી તેઓ બધા ઇતિહાસ બદલી રહ્યા છે તો બીજી તરફ બંગાળના સીએમ મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે પટનામાં થયેલી મીટિંગ સારી રહી અમે ત્રણ બાબતો પર ભાર મૂક્યો છે કે અમે એક છીએ અમે સાથે મળીને લડીશું અને આગામી બેઠક શિમલામાં યોજાશે અચ્છી મુલાકાત હુઈ હૈ ઓર એક સાથ ચલને કી સહમતિ હુઈ હૈ और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है फाउंडेशन पर इंस्टीट्यूशंस पर आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं ऐसे हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप चला रहा है जो एट्रोसिटीज चल रहा है एट्रोसस्टेनेबल क्या नहीं किया हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके विपक्षी दलों ने बैठक पूर्ण થયા બાદ તમામ દળોએ એક સાથે પત્રકાર પરિષદ કરી હતી આ પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે વિપક્ષી દળોની આગામી બેઠક શિમલા ખાતે 12 જુલાઈના રોજ થશે જેમાં એક સામાન્ય એજન્ડા તૈયાર કરવામાં આવશે આ ઉપરાંત સીટના વિભાજન ઉપર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે હાલ તો તમામ દળોએ એક સાથે મળીને ચૂંટણી લડવાનું નક્કી કર્યું છે આ બેઠકમાં 15 દળોના 27 નેતા સામેલ થયા હતા મહત્વનું છે કે વિપક્ષી દળો અને ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધી સત્તાપક્ષ સામેની આ લડાઈને વિચારધારાની લડાઈ ગણાવી રહ્યા છે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુરુવારે જમ્મુ કાશ્મીરની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે પટનામાં મળેલી વિપક્ષી દળની બેઠક પર શાબ્દિક પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે પટનામાં ફોટો સેશન ચાલી રહ્યું છે જેમાં તમામ વિપક્ષી નેતાઓ એક મંચ પર આવીને સંદેશ આપવા માંગે છે કે અમે ભાજપ અને મોદીજીને વર્ષ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં પડકાર આપીશું હું વિપક્ષી પાર્ટીને કહેવા માંગુ છું કે તમે ગમે તેટલા હાથ મિલાવો પણ વડાપ્રધાન મોદીને તમે નહીં હરાવી શકો કારણ કે વડાપ્રધાન મોદી સાથે દેશની જનતા છે भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं कितने भी हाथ मिला लो आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय
2024 ની લોકસભાની ચૂંટણી માટે બિહારની રાજધાની પટનામાં તમામ વિપક્ષી દળોની એક મહત્વપૂર્ણ રણનીતિક બેઠક યોજાઈ હતી. વિશ્વસનીય સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે 2024 માં નીતિશકુમારને વિપક્ષના નેતૃત્વને લઈને વિપક્ષી એકતાના સંયોજક બનાવવામાં આવશે. એક તરફ જ્યાં વિપક્ષી પાર્ટીઓએ પટનામાં એકત્ર થઈને વિપક્ષી એકતાની વાતો કરી હતી, તો બીજી તરફ આ માળખું પણ તૂટતું જોવા મળી રહ્યું છે. આ દરમિયાન તેલંગાણાના બીઆરએસ પાર્ટીના નેતા ટીઆર રામારાવે મીડિયા સાથે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે નીતિશ એક સારા નેતા છે, પરંતુ અમે કોંગ્રેસ સાથે પ્લેટફોર્મ શેર કરવા સહજ નથી. તેમણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ જે બેઠકમાં હાજર હોય તેને અમે સ્વીકારી શકીએ નહીં. જ્યાં કોંગ્રેસ હાજર છે ત્યાં અમે બેઠકમાં રહી શકતા નથી. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા ગુરુવારે કાલાહાંડીના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે જાહેર સભામાં સંબોધિત કરતા કહ્યું હતું કે પટનાની ધરતી પર વિપક્ષી દળની બેઠક મળી છે, જે બેઠકમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે પણ પહોંચ્યા છે. હું ઉદ્ધવ ઠાકરેને કહેવા માંગુ છું કે તેમના પિતા કહેતા હતા કે હું શિવસેનાને ક્યારેય પણ કોંગ્રેસ નહીં બનવા દઉં, પરંતુ આજે જે રીતે ઉદ્ધવ ઠાકરે વિપક્ષી દળની બેઠકમાં ગયા તેના પરથી લાગે છે કે ઉદ્ધવ પણ કોંગ્રેસના હાથ પકડી લેશે. अभी अभी पता चला कि उद्धव ठाकरे पटना की धरती पर लैंड कर गए. ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा. आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है. 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીને પડકાર આપવા માટે મજબૂત મોરચો બનાવવાની વ્યૂહરચના પર વિપક્ષના ઘણા મોટા રાજકીય પક્ષોના નેતાઓએ પટનામાં ગુરુવારે મંથન કર્યું હતું. જોકે ભાજપે આ બેઠક પર નિશાન સાધ્યું છે. બીજેપી નેતા રવિશંકર પ્રસાદે પટનામાં આયોજિત વિપક્ષની બેઠક પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને કહ્યું છે કે વિપક્ષી પાર્ટીઓ 2024ની ચૂંટણી માટે તૈયારી કરી રહી છે, પરંતુ વરરાજા કોણ છે તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में. बारात में दुल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दुल्हा कौन है, ये तो समस्या है. सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है. क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं, क्या राहुल गांधी तो वहीं है बैठे हुए. બિહારના પટનામાં ગુરુવારે વિપક્ષી પાર્ટીઓની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં વર્ષ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને વિપક્ષી દળના નેતાઓ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તો બીજી તરફ મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસે વિપક્ષી પાર્ટીઓ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે વિપક્ષી પાર્ટીના નેતાઓ વડાપ્રધાન મોદીને હટાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ હું કહેવા માંગુ છું કે આ ગઠબંધન પરિવારને બચાવવા માટે છે. તમામ રાજવંશ પક્ષો તેમના પરિવારોને બચાવવા માટે જોડાણ કરી રહ્યા છે. વર્ષ 2019માં પણ વિપક્ષ દ્વારા પીએમ મોદીને હટાવવા માટે પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા, તેનાથી કોઈ ફાયદો થયો નથી. તો ઇતના હી કહુંગા, ઇન્હોને નામ તો દિયા હૈ મોદી હટાવ કા, લેકિન યે જો ગઠબંધન હો રહા હૈ યે પરિવાર બચાવ કા ગઠબંધન હૈ. સારી પરિવારવાદી પાર્ટીયા એક સાથ મિલકર અપને પરિવાર કો બચાને કે લિયે ગઠબંધન કર રહી હૈ. ઓર મે તો દેખકર ઇસ બાત પર અચંભિત ભી હું કે જો ઉદ્ધવ ઠાકરે જી रोज हम पर तंज कसते थे कि आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ गए, आप महबूबा मुफ्ती के साथ गए, अभी वो महबूबा मुफ्ती जी के बाजू में बैठकर अलायंस करने की बात वहां पर कर रहे हैं. પટનામાં મળેલી વિપક્ષી દળોની બેઠકને લઈને અવસ્થીએ જણાવ્યું છે કે આ બેઠકમાં શિવસેનાના નેતાઓ હાજર રહ્યા છે, તો શું તેઓ બિનસાંપ્રદાયિક બની ગયા. આ બેઠકમાં દિલ્હીના સીએમ હાજર રહ્યા હતા, પરંતુ કેમ કે કલમ 370 હટાવવા માટે સમર્થન આપ્યું હતું, પરંતુ વિપક્ષી પાર્ટીઓમાં કોંગ્રેસ આગળ રહેવા માંગે છે અને નીતિશકુમાર વડાપ્રધાન બનવાના સપના જોઈ રહ્યા છે, જે બાબતે કેટલીક યોગ્ય છે. આ પાર્ટીઓની ટ્રેક રેકોર્ડ શું છે જેના કારણે તેઓ વડાપ્રધાન બનવાના સપના જોઈ રહ્યા છે. इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं हम सबसे आगे रहेंगे, नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा,
दूसरे लोग सब सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आप ये आपने तो किया ना, आप महागठ आप मुख्य आप जब गुजरात के वक्त आप रेलवे मंत्री थे, गुजरात जलता रहा, आप बीजेपी के साथ थे, फिर आपने आप मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार साहब, फिर महागंडन महागठबंधन बना, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर आप चले गए, फिर आप वापिस आए। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमारे पटना में मड़ेली विपक्षी पार्टी की बैठक मुद्दे निवेदन आपता कहूं हतु कि 2024 में पीएम पद माटे कोई जगह खाली नहीं, विपक्षी एकता जुठाणू छे, आ मात्र फोटा माटे छे। शू आ बैठक में बैठेला ममता बेनर्जी कांग्रेस साथे समाधान करशे? अरविंद केजरीवाल पोताना अंगत स्वार्थ माटे बैठा छे अने जे वटहुकुम बहार पाडवामां आव्यो छे ते अंगे समर्थन मांगे छे। तो पहले कह चुका हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ये जितना भी विपक्षी एकता आप देख रहे हैं सब ढकोसला, सब झूठ है, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए है। अब इस मीटिंग में बैठी हुई है ममता बनर्जी, क्या कांग्रेस से समझौता कर लेंगे वो? इस मीटिंग में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बैठे हुए हैं कि जो अध्यादेश जारी हुआ है उनके खिलाफ में, उसके संबंध में चाहते हैं कि तमाम विपक्ष हमको राज्यसभा में अपना मत दे, जो संभव नहीं है। इस मीटिंग में और कई लोग बैठे हुए हैं तो सबका अलग अलग इशूज है। विपक्षी दलों की थयेली बैठक पर कटाक्ष करता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जणाव्युं हतुं कि जे राजकीय पक्षों एक बीजा सामे पण नथी जोता तेवा लोको एकठ्ठा थया हता। आ स्वार्थे विपक्षी दलों भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास से वंचित राखवा मांगे छे। आ विपक्षी दलों में दरेक राजकीय पक्ष अलग अलग रीते बात करे छे। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। स्वार्थ का यह गठबंधन बहुमुखी है।